किसी भी नमाज के पढ़ने के फौरन बाद ये एक तस्बीह जिसने पढ़ी गैप से 600 करोड़ मिल जाएगा। सीने का राज पहली बार बता रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुरान मजीद के अंदर एक सूरत है, इस सूरत से अल्लाह पाक को इतनी मोहब्बत है, यह सूरत अल्लाह को अजीज़ है और यह सूरत अल्लाह को इतनी पसंद है कि जो मेरा भाई, जो मेरी बहन, बेटी किसी भी नमाज के बाद सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा इस सूरत को पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगता है, उसकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। नाज़रीन, अगर आपको इस पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए, आज तक आपको जो नहीं मिला, आज इस सूरत को एक मरतबा किसी भी नमाज के बाद पढ़कर देख लें। इस सूरत को पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो भी मांगोगे, आपके हाथ बाद में नीचे आएंगे, आपकी दुआ पहले कबूल हो जाएगी और दुआ मांगने के फ़ौरन बाद 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी आँखों से देखेंगे मौजज़ात। जो कुछ आपने अल्लाह से मांगा है फ़ौरन आपको मिल जाएगा। नाज़रीन, ये अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद अल्लाह पाक की ऐसी किताब है कि जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया के शुरू होने से आज तक और क़यामत तक उसकी हिफाजत का खुद ज़िम्मा ले रखा है। यानी जब से यह कायनात बनी है 4 किताबें नाजिल हुई हैं, तौरात, जबूर, अंजील और कुरान पाक। बाकी जो 3 किताबें हैं इनमें तब्दीली हो चुकी है। अब इन पर अमल करना हमारे लिए ख़तरे से खाली नहीं है, लेकिन वाहद कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने ले रखा है। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं जिसे चाहूँ बेटे अता कर दूँ, जिसे चाहूँ बेटियाँ अता कर दूँ, जिसे चाहूँ दोनों अता कर दूँ, जिसे चाहूँ कुछ भी ना अता करूँ, जिसे चाहे इज्जत दूँ, जिसे चाहे जलील कर दूँ, जिसको चाहूँ रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दूँ और जिसे चाहूँ रिज़्क़ तंग कर दूँ। तो नाज़रीन, ये मेरे अल्लाह ने कुरान में वाज़िया आयात में बता दिया है। हमें कुरान मजीद की एक एक जो आयत है, एक एक जो ज़बर ज़ेर है, पेश है, वो हक है, सच है। और इस कुरान मजीद में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है कि एक मरतबा अगर इस कुरान को जो शख्स अपने सीने से लगा लेता है, फिर इस दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसको हासिल ना होगी और दुनिया की तमाम तर परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, आज कुरान मजीद की एक मुख्तसर सूरत का वजीफ़ा है, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। और इस सूरत की बरकत ये है कि आपको दौलत की ज़रूरत है, पैसों की शदीद ज़रूरत है, आपको ज़ाती घर की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाती घर एक बहुत अहम तरीन चीज़ है। नाज़रीन, और आज के दौर में, जदीद दौर में, आज के इस मादी दौर में मैं समझती हूँ कि खुश नसीब लोग हैं वो जिनका ज़ाती घर है, जिनका नहीं है। आज इस अमल को करके एक मरतबा हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लो, आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका ज़ाती घर मिल जाएगा, क्योंकि किराए के घर में रहना भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। नाज़रीन, हर घड़ी दिल में आता है कि अब मालिक मकान का फ़ोन आएगा और वो कहेगा कि सामान अपना निकाल दो, क्योंकि हम खुद इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। या फिर बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि मालिक मकान को आपकी कोई हरकत पसंद नहीं आती और वो अपना जो इसका दिल है, इसकी तसल्ली के लिए आपको अपने घर से निकाल देता है। हर साल ये फिक्र हमें सताती है कि अगले साल कहाँ मुंतकिल होंगे, और घर की जो मुंतकली है ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत, प्रॉब्लम है। नाज़रीन, और इसके अलावा अगर आप बीमार हैं, आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप करवाना चाहते हैं, इस अमल को करने के फ़ौरन बाद अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ को वसी और किशादा फरमा देगा। आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आप इस दुनिया के महंगे तरीन अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे, आप अच्छा और मियारी खाना खा सकेंगे, अच्छे घर में रह सकेंगे, अच्छे लिबास पहन सकेंगे, और आपका जो एक ज़ाती जो शानदार सवारी है, आपको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी, कारोबार में इतनी बरकत होगी कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। नाज़रीन, अब वो वजीफे का तरीका बताने से पहले आप तमाम सुनने वालों से गुजारिश है, एक सिलसिले का आगाज़ किया है दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में। अगर आप भी अपना नाम शामिल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफ़िला है, इसका हिस्सा बन जाए, ताकि हमारे जो बताए गए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुँच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। नाज़रीन, हमने इस दुनिया को अव्वलिन तरजीह दे दी है और दीन को हमने पीछे छोड़ दिया है, और यही हमारे ज़वाल की एक बहुत बड़ी वजह है।
हमारी नाकामी की एक बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया है और दुनिया के पीछे ऐसे भाग रहे हैं। न फ़र्ज़ नमाज की फ़िक्र है, न तलावत कुरान की फ़िक्र है, न सदका और खरात की फ़िक्र है। हाँ, सदका खरात की फ़िक्र हमको सताती है और बाद में परेशान रहते हैं और इधर उधर हम फिर सर पटकते हैं कि हमें ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी तो ज़िंदगी दुश्वार हो रही है। तो नाज़रीन, मोहतरम नाज़रीन, इस मुश्किल वक्त से निकलने का एक रास्ता आपको बता रही हूँ। अल्लाह की कसम, अगर आपने अमल कर लिया, सारी ज़िंदगी आप इस बंदी न चीज़ को दुआएं देंगी। इस वजीफे को आप एक मरतबा कर लें, सारी ज़िंदगी आपको एक मरतबा इस अमल को करना है। मुख्तसर सा एक अमल है और जो लोग रोज़ इशा की नमाज के बाद इस सूरत को पढ़कर, यानी फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद हाथ उठाने से पहले, दुआ मांगने से पहले, वो इस सूरत को एक मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ने उनकी ऐसी ऐसी गैबी मदद की है कि आज अगर आपको इनमें के नाम गनवाना शुरू कर दूं और जो मौजज़ात मैंने अपनी आँखों से देखे हैं, जो वाक़यात मैंने सुने हैं, आपको बताना शुरू कर दूं तो वक्त की कमी की वजह से आपको नहीं बता सकूंगी और वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाएगी। नाज़रीन, मुख्तसर बात यह है कि आपने सिर्फ इस वजीफे को अपने हाथ में करना है, अपने सीने से लगा लेना है। कुरान मजीद की एक सूरत का वजीफा है, इशा की नमाज के बाद आपने करना है। सबसे पहले तो आपने, जब आप इशा की नमाज अदा कर ली, उसकी एक और शर्त यह है कि जो भी हजरात हैं उनको ये करना है कि हर नमाज बाजमात अदा करनी है। वो बाजमात नमाज अदा करने की एक वजह यह है कि इस वजीफे का असर तब ही होगा जब आप बाजमात नमाज अदा करेंगे। और ख़वातीन इस वजीफे को घर में कर सकती हैं, उनके लिए इसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मर्दों को, क्योंकि हमारी जो एक और कुताही है आजकल माशरे में जो दुख दे रही हैं, वो नज़र आ रही हैं, वो ये है कि जो मर्द हजरात हैं वो ज़्यादातर इनकी ये कुताही है और सुस्ती की वजह से मस्जिद की तरफ नहीं जाते। अब इस अमल को करने से पहले आप जो मर्द हजरात हैं, इन्होंने ये कोशिश करनी है कि पाँच वक्त की नमाज है वो बाजमात अदा करनी है और उसकी नमाज के बाद जब आप इस सूरत को पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इसके असरात और फ़ायदे और बरकतें आप अपनी आँखों से देखना शुरू कर देंगे और फ़ायदे बहुत होंगे। तो जब आपने इशा की नमाज बाजमात अदा कर ली, एक तो वो दुआ होती है नाज़रीन, जो फ़र्ज़ नमाज के बाद बाजमात जब नमाज अदा होती है तो सब हाथ उठाकर मांगते हैं और वो दुआ तो आपने मांगनी ही है। इसके बाद आपने ये अमल करना है, फिर आपने अपनी जो एक ज़ाती दुआ है उसके लिए हाथ उठाने हैं। अमल का तरीका कर, सबसे पहले आपने अव्वल व आखिरी तीन मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्ना का हमीदु मजीद। फिर आपने 10 मरतबा, ये कुरान मजीद की एक आयत है, आपने 10 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने 10 मरतबा या रज़ाक पढ़ना है और इसके बाद 10 मरतबा आपने ये छोटी सी सूरत अल कौसर, ये हर बंदे को ज़ुबान याद होता है, ये बहुत ही छोटी सूरत है और हमने तुमको कौसर अता फरमाई है। तर्जमा तो आपके बिगैर तर्जमे के बग़ैर आपने सिर्फ सूरत पढ़नी है। तो अपने परवरदगार के लिए नमाज पढ़ा करो, कुर्बानी दिया करो, कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बे औलाद रहेगा। ये सूरत पढ़नी है और 10 मरतबा अपने 4 कुल पढ़ने हैं। इसके बाद आपने 3 मरतबा फिर आखिर में दुरूद शरीफ फिर सुनते पढ़नी है और दुआ मांगनी है। फिर आपने जब सुनते पढ़कर दुआ मांग ली, आपने सूरह वाकया 1 मरतबा पढ़नी है। सूरह वाकया पढ़ने के बाद आपने फिर 1 मरतबा दुआ मांगनी है और अपने मकसद को अपने जहन में रखते हुए अपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं। नाज़रीन, इस अमल को आप करके देख लें, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपको यकीन दिलाती हूँ, आज आपको ऐसा ख़जाना आपके हवाले किया है, कर भी रही हूँ, बता भी रही हूँ, आप सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह पुरसकून हो जाएंगे और इस बंदी ने चीज़ को दुआएं देंगे। काश आपको इस अमल के बारे में पहले बता दिया होता। आखिर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम सुनने वालों को इस वजीफे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला के 99 नामों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर, नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दें। शुक्रिया।